आदाब नाजर, मैं हूँ नासिर केशार। आप खुद को देखें जेकेसी न्यूज़ पर, मेरे फेसबुक चैनल नासिर केशार ऑफिशियल पर और यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो हम देख रहे हैं कि शहरी बाजार भदरवाह के अंदर बीजेपी की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त जश्न मनाया गया, पटाखे फोड़े गए। क्यों फोड़े गए, क्या वजूहत थी, हम जानते हैं एडवोकेट मंजीत राजदान जी। सर बताइए, क्यों आज आपने यहाँ पर जश्न मनाया, क्या वजह? आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर एक सेलिब्रेशन हुई। कल जम्मू कश्मीर के इतिहास में, खासकर डोडा के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन था। कल आदरणीय नितिन गडकरी जी ने 25 रोडों का जो है आधारशिला रखा, फाउंडेशन स्टोन रखी। उसके साथ साथ 11,757 करोड़ रुपए का जो है उसमें इन्वेस्टमेंट होगी और 650 किलोमीटर रोड जो है जम्मू कश्मीर में बनेगी। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर को जो है वो यूरोप बनाऊंगा, जम्मू कश्मीर को मैं 1,00,000 करोड़ रुपया और दूंगा। ये नितिन गडकरी जी ने कल मंच से कहा और कल हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने जब उनसे रिक्वेस्ट की कि वो इन रोड्स को बनी बिसोली भदरवाह रोड डोडा तक जो है और चंबा भदरवाह रोड को वो राष्ट्रीय मार्ग जो है उसको वो घोषित करें, तो आदरणीय नितिन गडकरी जी ने मंच से कहा कि मैं इन दोनों रोडों को जो है नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर रहा हूं। और आपसे ऐसा सुनने में आ रहा है कि बीजेपी का जो भदरवाह का जो ग्रुप था, बीजेपी काफ़ी नाराज हुआ था, उन्होंने वहां पे शोर मचाया, तो उनका मुंह बंद करने के लिए जो है ज़बरदस्ती वहां पे अनुवाद कराया गया है। जबकि ऑन रिकॉर्ड ऐसा माना जा रहा है, अपोजिशन भी ये इल्ज़ाम लगा रही है कि ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ नहीं है, खाली भदरवाह के लोगों को या बीजेपी ग्रुप जो भदरवाह का उनका मुँह बंद करने के लिए खाली अनाउंस किया गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो बातें हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं, इसमें कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है, क्योंकि खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है आपने देखा 7 दिन पहले एक चिट्ठी जो है सेक्रेटरी से निकली, आपने देखा मीडिया में, आपने देखा होगा, और उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा था, अर्जेंट लिखा था उसमें जल्दी, जो कि उन्होंने नितिन गडकरी जी को एड्रेस किया था कि इन दोनों रोड्स को जो है नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया जाए। और कल मंच से जो है मनोज सिन्हा जी ने इसको डिक्लेयर किया, इससे ज़्यादा हम सबूत क्या देंगे। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी यूनिट का सवाल है, वो बिल्कुल नाराज़ नहीं थी, उन्होंने यहाँ पर आग्रह किया था। आग्रह और नाराज़गी में बहुत फर्क है और हम आज बहुत खुश हैं, हम भदरवाह वासियों को आपके चैनल से जो है मुबारकबाद देते हैं कि ये दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं ये इनका डिक्लेरेशन हुई है, इनकी घोषणा हुई है, और फ्यूचर में भविष्य में जो ये रोड्स बनेगी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें अभी DPR बननी है, इसके लिए फंड्स अलाट होने हैं, इसके बाद टेंडरिंग होगी है, एक प्रोसेस है और इसको हम फॉलो करेंगे। और भदरवाह को हम जो है एक बार फिर जो भदरवाह की जो पूरा स्टेटस था, भदरवाह का जो पूरा पुराना जो एक इतिहास था उसको हम फिर एक उसको रिस्टोर। आपसे पूछना चाहूँगा, हमने देखा कि जब गुलाम नबी आज़ाद यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे, मुफ्ती साहब को ज़बरदस्ती उन्होंने अनाउंस करवाया था कि भदरवाह के अंदर यूनिवर्सिटी दी जाए, और आज 16 साल के बाद हम यूनिवर्सिटी का हाल देख रहे हैं, नियर अबाउट बंद होने वाली है, वहाँ पर कुछ नहीं देखने को। क्या ज़बरदस्ती अगर ये ऐलान किया गया नेशनल हाईवे, क्या हमें वह 15 साल के बाद ऐसा सोचना पड़ेगा कि इस पर काम नहीं हो रहा? देखिए, ज़बरदस्ती की बात नहीं, ये ज़बरदस्ती नहीं, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो इस पर जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं आदरणीय हमारे मनोज सिन्हा जी, उन्होंने जो है मंच से डिक्लेयर किया और गडकरी जी ने उस बात को जो है एड्रेस किया कि हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, इससे बाद ज़्यादा मैं बात नहीं कह सकता। DDC भदरवाह वेस्ट के काउंसलर ठाकुर युद्धवीर सिंह जी जो प्रधान हैं बीजेपी मंडल भदरवाह के, तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये खाली घोषणा है कि हकीकत में यहाँ पर जो नेशनल हाईवे दिए गए, क्योंकि काफ़ी सवालात उठ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ग्रुप पर कि भदरवाह को के लोगों का मुंह बंद करने के लिए खाली अनाउंस किया, तो क्या हकीकत है? क्योंकि ठाकुर साहब एक रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट पोस्ट पर भी है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी, इनसे जानेंगे क्या हकीकत है। ठाकुर साहब बताइए, इस बात में कितनी सच्चाई है कि यहाँ पर नेशनल हाईवे दिए गए?
नासिर साहब, मैं आपको बोलना चाहूँगा, दो नेशनल हाईवे हम भद्रा की बात करेंगे, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं और जहाँ जहाँ से हमें दर्द होती है भद्रा से, हम ये बोलना चाहेंगे कल दो नेशनल हाईवे जो इस कल जोड़ा से अलाउंस हो चुके हैं, और ये बात पक्की है कि ये सब जो लोग बोल रहे हैं नहीं हुए हैं, लेकिन ये हमारा कर्तव्य बनता है एज ए मंडल प्रधान और एक कौंसल की इसको इम्प्लीमेंट कराना हमारे हाथ की बात है, क्योंकि मंत्री घोषणा करके चले जाते हैं लेकिन जब तक हम उसमें सक्रिय ना हो, हम अपनी भागीदारी उसमें शामिल ना करें, तब तक कुछ नहीं होता है। लेकिन जब एक ऑन रिकॉर्डिंग उन्होंने इस चीज़ को बोल दिया है कि हमने डोडा भद्रवा और घुसोली को नेशनल हाईवे करार दिया है और दूसरा चंबा भद्रवा डोडा, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम दिल्ली जाएं और फटाफट दो महीने के अंदर DPR बनाकर, और मुझे लगता है 2-3 महीने में ये सब काम शुरू होना चाहिए। तो बीजेपी का ग्रुप जो है इस वक्त दिल्ली से लेकर भद्रवा तक बीजेपी की सरकार है, तो हम भद्रवा के लोग क्या समझ सकते हैं कि कब तक जो है इस पर काम शुरू हो जाएगा? मैं ज़्यादा ना बोलता हूँ, लेकिन 2022 में इसका काम जरूर शुरू होगा, किसी भी महीने में हो सकता है, लेकिन 2022 में इसमें काम जरूर शुरू होगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि नितिन गडकरी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। तो अभी मेरे साथ मौजूद है बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट डोडा के वाइस प्रेसिडेंट संजय सराफी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो हाईवे का यहाँ पर जो कुछ लोग ये मानते हैं कि खाली अनुमान से कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हुआ है, और बीजेपी का मानना है कि नितिन गडकरी ने कहा है, तो वाकई में ये है क्या हकीकत? क्योंकि रिस्पॉन्सिबल पर्सन के साथ बात करने वाले हैं, तो इनसे जानेंगे कितनी। तो संजय सराफ जी, कितनी सच्चाई है कि भद्रवा को नेशनल हाईवे मिल गई? तो नासिर भाई, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप जो है पूरी कवरेज जो दे रहे हैं कल के फंक्शन को भी, आज के भी। मैं आपको बधाई, सबसे पहले ये बधाई दूँ कि ये जो नेशनल हाईवे है ये डिक्लेयर्ड हुई है, ये इसमें कोई दोहराई नहीं है, और इसको हम अमली जामा जो है बहुत जल्दी पहनाएंगे। आप जो जिन्होंने क्रिटिसाइज करना, जब यहाँ ADC बैठा था तब भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया, जब यहाँ पर गुंडो भद्रवा की रोड बन रही थी तब भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया, जब ये दूसरी रोडें बन रही थी वो तब भी वो क्रिटिसाइज करना, उनको अपोजिशन में उनका काम है क्रिटिसाइज करना, वो करते रहे। हमारा काम है लोगों की डेवलपमेंट करना, और डेवलपमेंट करके और नए नए प्रोजेक्ट भद्रवा को देना और भद्रवा की डेवलपमेंट करना, ये हमारा ऑलवेज काम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बीजेपी के लोग जिनसे हमने बात की और जानने की कोशिश की जो नेशनल हाईवेज कल अनाउंस हुए हैं और ज़मीनी सतह पर कब तक आएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे JKC।